जिन्होंने महिलाओं के जो महिला पहलवानों का मुद्दा पहले भी उठाया था और आज ये विनेश फोगाट के गांव बलाली में जा रहे हैं घी की कावड़ लेके। और जब तक विनेश गांव में पहुंचेगी अभी गांव में पहुंच जाएंगे। और परमजीत भाई हाँ जी, तो ये जो आप घी की कावड़ लेकर चल रहे हो, क्यों आप लेकर चल रहे हो? बस ये है जी, ये जो हमारी छोटी बहन है, बेटी है विनेश, इसने हमारे देश का सम्मान इतना बढ़ा दिया है और उसको जो आशीर्वाद बोलो या भेंट बोलो देने के लिए मैं ये देसी घी की कावड़ लाया हूँ, क्योंकि पहलवानों का हमारा मुख्य भोजन घी है हमारे देश का, तो मैं उसको सम्मान के लिए जो उपहार दूंगा तो ये दो देसी घी के पिप्पे दूंगा। तो दो देसी घी के पिप्पे हैं। और परमजीत मल्लिक पिछले 10-12 साल से लगातार न सिर्फ खिलाड़ियों के फीजियो हैं बल्कि खिलाड़ियों की मान सम्मान की बात हो या फिर उनके हकों की आवाज़ हो वो भी उठाते हैं। विनेश फोगाट के लिए ये देसी घी की कावड़ उनके गांव तक पैदल लेके जा रहे हैं और उनका गांव विनेश फोगाट का अब यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर रह गया है। ये दिन में चले थे, वही परमजीत मल्लिक है जिन्होंने महिलाओं के जो महिला पहलवानों का मुद्दा पहले भी उठाया था और आज ये विनेश फोगाट के गाँव बलाली में जा रहे हैं घी की कावड़ लेके। और जब तक विनेश गांव में पहुंचेगी अभी गांव में पहुंच जाएंगे। और परमजीत भाई हाँ जी, तो ये जो आप घी की कावड़ लेकर चल रहे हो, क्यों आप लेकर चल रहे हो? बस ये है जी, ये जो हमारी छोटी बहन है, बेटी है विनेश, इसने हमारे देश का सम्मान इतना बढ़ा दिया है और उसको जो आशीर्वाद बोलो या भेंट बोलो देने के लिए मैं ये देसी घी की कावड़ लाया हूँ, क्योंकि पहलवानों का हमारा मुख्य भोजन घी है हमारे देश का, तो मैं उसको सम्मान के लिए जो उपहार दूंगा तो ये दो देसी घी के पिप्पे दूंगा। तो दो देसी घी के पिप्पे हैं। और परमजीत मल्लिक पिछले 10-12 साल से लगातार न सिर्फ खिलाड़ियों के फीजियो हैं बल्कि खिलाड़ियों की मान सम्मान की बात हो या फिर उनके हकों की आवाज़ हो वो भी उठाते हैं। विनेश फोगाट के लिए ये देसी घी की कावड़ उनके गाँव तक पैदल लेके जा रहे हैं और उनका गांव विनेश फोगाट का अब यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर रह गया है। ये दिन में चले थे, वही परमजीत मल्लिक है जिन्होंने महिलाओं के जो महिला पहलवानों का मुद्दा पहले भी उठाया था और आज ये विनेश फोगाट के गांव बलाली में जा रहे हैं घी की कावड़ लेके। और जब तक विनेश गांव में पहुंचेगी अभी गांव में पहुंच जाएंगे। और परमजीत भाई हाँ जी, तो ये जो आप घी की कावड़ लेकर चल रहे हो, क्यों आप लेकर चल रहे हो? बस ये है जी, ये जो हमारी छोटी बहन है, बेटी है विनेश, इसने हमारे देश का सम्मान इतना बढ़ा दिया है और उसको जो आशीर्वाद बोलो या भेंट बोलो देने के लिए मैं ये देसी घी की कावड़ लाया हूँ, क्योंकि पहलवानों का हमारा मुख्य भोजन घी है हमारे देश का, तो मैं उसको सम्मान के लिए जो उपहार दूंगा तो ये दो देसी घी के पिप्पे दूंगा। तो दो देसी घी के पिप्पे हैं। और परमजीत मल्लिक पिछले 10-12 साल से लगातार न सिर्फ खिलाड़ियों के फीजियो हैं बल्कि खिलाड़ियों की मान सम्मान की बात हो या फिर उनके हकों की आवाज़ हो वो भी उठाते हैं। विनेश फोगाट के लिए ये देसी घी की कावड़ उनके गांव तक पैदल लेके जा रहे हैं और उनका गांव विनेश फोगाट का अब यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर रह गया है। ये दिन में चले थे, वही परमजीत मल्लिक है जिन्होंने महिलाओं के जो महिला पहलवानों का मुद्दा पहले भी उठाया था और आज ये विनेश फोगाट के गाँव बलाली में जा रहे हैं घी की कावड़ लेके। और जब तक विनेश गांव में पहुंचेगी अभी गांव में पहुंच जाएंगे। और परमजीत भाई हाँ जी, तो ये जो आप घी की कावड़ लेकर चल रहे हो, क्यों आप लेकर चल रहे हो? बस ये है जी, ये जो हमारी छोटी बहन है, बेटी है विनेश, इसने हमारे देश का सम्मान इतना बढ़ा दिया है और उसको जो आशीर्वाद बोलो या भेंट बोलो देने के लिए मैं ये देसी घी की कावड़ लाया हूँ, क्योंकि पहलवानों का हमारा मुख्य भोजन घी है हमारे देश का, तो मैं उसको सम्मान के लिए जो उपहार दूंगा तो ये दो देसी घी के पिप्पे दूंगा। तो दो देसी घी के पिप्पे हैं। और परमजीत मल्लिक पिछले 10-12 साल से लगातार न सिर्फ खिलाड़ियों के फीजियो हैं बल्कि खिलाड़ियों की मान सम्मान की बात हो या फिर उनके हकों की आवाज़ हो वो भी उठाते हैं। विनेश फोगाट के लिए ये देसी घी की कावड़ उनके गाँव तक पैदल लेके जा रहे हैं और उनका गांव विनेश फोगाट का अब यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर रह गया है। ये दिन में चले थे, वही परमजीत मल्लिक है जिन्होंने महिलाओं के जो महिला पहलवानों का मुद्दा पहले भी उठाया था और आज ये विनेश फोगाट के गांव
बलाली में जा रहे हैं घी की कावड़ लेके, और जब तक विनेश गांव में पहुंचेगी, अभी गांव में पहुंच जाएंगे। और परमजीत भाई हाँ जी, तो ये जो आप घी की कावड़ लेकर चल रहे हो, क्यों आप लेकर चल रहे हो? बस ये है जी, ये जो हमारी छोटी बहन है, बेटी है विनेश, इसने हमारा देश का सम्मान इतना बढ़ा दिया है, और उसको जो आशीर्वाद बोलो या भेंट बोलो देने के लिए मैं ये देसी घी की कावड़ लाया हूँ, क्योंकि पहलवानों का हमारा मुख्य भोजन घी है हमारे देश का, तो मैं उसको सम्मान के लिए जो उपहार दूंगा तो ये दो देसी घी के पिप्पे दूंगा। तो दो देसी घी के पिप्पे हैं। और परमजीत मल्लिक पिछले 10-12 साल से लगातार न सिर्फ खिलाड़ियों के फीजियो हैं, बल्कि खिलाड़ियों की मान सम्मान की बात हो या फिर उनके हकों की आवाज़ हो, वो भी उठाते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए ये देसी घी की कावड़ उनके गांव तक पैदल लेके जा रहे हैं, और उनका गांव विनेश फोगाट का अब यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर रह गया है। ये दिन में चले थे, वही परमजीत मल्लिक है जिन्होंने महिलाओं के, जो महिला पहलवानों का मुद्दा पहले भी उठाया था, आज ये विनेश फोगाट के गांव बलाली में जा रहे हैं घी की कावड़ लेके, और जब तक विनेश गांव में पहुंचेगी, अभी गांव में पहुंच जाएंगे। और परमजीत भाई हाँ जी, तो ये जो आप घी की कावड़ लेकर चल रहे हो, क्यों आप लेकर चल रहे हो? बस ये है जी, ये जो हमारी छोटी बहन है, बेटी है विनेश, इसने हमारा देश का सम्मान इतना बढ़ा दिया है, और उसको जो आशीर्वाद बोलो या भेंट बोलो देने के लिए मैं ये देसी घी की कावड़ लाया हूँ, क्योंकि पहलवानों का हमारा मुख्य भोजन घी है हमारे देश का, तो मैं उसको सम्मान के लिए जो उपहार दूंगा तो ये दो देसी घी के पिप्पे दूंगा। तो दो देसी घी के पिप्पे हैं। और परमजीत मल्लिक पिछले 10-12 साल से लगातार न सिर्फ खिलाड़ियों के फीजियो हैं, बल्कि खिलाड़ियों की मान सम्मान की बात हो या फिर उनके हकों की आवाज़ हो, वो भी उठाते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए ये देसी घी की कावड़ उनके गांव तक पैदल लेके जा रहे हैं, और उनका गांव विनेश फोगाट का अब यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर रह गया है। ये दिन में चले थे, वही परमजीत मल्लिक है जिन्होंने महिलाओं के, जो महिला पहलवानों का मुद्दा पहले भी उठाया था, और आज ये विनेश फोगाट के गांव बलाली में जा रहे हैं घी की कावड़ लेके, और जब तक विनेश गांव में पहुंचेगी, अभी गांव में पहुंच जाएंगे। और परमजीत भाई हाँ जी, तो ये जो आप घी की कावड़ लेकर चल रहे हो, क्यों आप लेकर चल रहे हो? बस ये है जी, ये जो हमारी छोटी बहन है, बेटी है विनेश, इसने हमारा देश का सम्मान इतना बढ़ा दिया है, और उसको जो आशीर्वाद बोलो या भेंट बोलो देने के लिए मैं ये देसी घी की कावड़ लाया हूँ, क्योंकि पहलवानों का हमारा मुख्य भोजन घी है हमारे देश का, तो मैं उसको सम्मान के लिए जो उपहार दूंगा तो ये दो देसी घी के पिप्पे दूंगा।